जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि साल 2023 में देवउठनी एकादशी कब है। देवउठनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से बाहर आ जाते हैं और उसके बाद वे सृष्टि का कार्य देखने का अपना काम आरंभ कर देते हैं। उसके बाद देवउठनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु पाताल लोक छोड़कर वापस बैकुंठ धाम आ जाते हैं। चतुर्मास के दौरान भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी के दिन से देवउठनी एकादशी तक पाताल में वास करते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन से आरंभ होकर विवाह, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी पर तुलसी माता की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी के चारों ओर आटे और हल्दी से स्तंभ बनाकर उनकी पूजा की जाती है और उनकी परिक्रमा की जाती है। इस दिन तुलसी के साथ आंवले का गमला भी लगाना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन शंख, चक्र और गाय के पैर बनाकर उनकी पूजा की जाती है। देवउठनी एकादशी तिथि का आरंभ 22 नवंबर रात 11:03 पर होगा और समापन 23 नवंबर को रात 9:01 पर होगा। इस प्रकार देवउठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर को गुरुवार को रखा जाएगा। व्रत का पारण 24 नवंबर को सुबह 6:51 से 9:05 तक शुभ होगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।